उधर से गाड़ी बुक करके 15-20 हजार कितना लिए उसने, उधर लेके ड्रॉप किया बाइक का कंडीशन। So we reach Pokhara, यार यहाँ पर आके होटल दिख रहा है, होटल मिल जाए बस। लेक साइड कहाँ है? लेक साइड व्यू चाहिए तुमको। आइए। अच्छा। देखिए। इसका रेट कितना आ जाएगा? देखिए। हम तो देख तो लिए, बढ़िया है थोड़ी ना, बीबी को लेके थोड़ी ना आदमी सोना है। इसको अभी हमने 2,250 तक लगाया है, लेकिन सुनिए सुनिए। आप वहाँ से 1,000 रुपीज वीडियो कर रहे हैं? अच्छा, मत कर दे, खोल दो। हाँ जो मर्जी आपका, ठीक है। ये ऐसा है, आपको मैंने यो ये आप वहाँ से 1,000 रुपीज बोल के लाए हो, अब मुझे 1,000 रुपीज वाला रूम दिखाओ बस। उतना नहीं सुनना है हमको, मेरा होटल बुक था ना, हम तो 41 पूछ रहे थे ना आपको, तो ही बोल रहे हैं आपको। क्या 1,200 दे दीजिए? थाउजेंड में ही हो जाएगा भैया, हाँ वहाँ पर लेक व्यू भी मिलेगा। देखिए पोखरा है, ओके, जो आपने बोला जो मैंने बोला ओके, डाउन हो गया। और लेक व्यू? लेक व्यू के लिए तो इधर ही पास ही में तो झील है भैया, मतलब पैदल जाना पड़ेगा। हाँ जस्ट 2 मिनट की गोली भाई, जस्ट 2 मिनट भैया। ऐसा मतलब जहाँ से वो घूमे, हाँ, हाँ, से घूमे थे वहीं से ऊपर। 2 मिनट वाले जहाँ टांडिला फटे हुए की कोई देख। ऐसा है सर जी, देखिए अगर आप लोग और भी ऊपर जाएंगे, आपने जो 41 बोले थे ना, वो तो बहुत ज्यादा ऊपर है, वहाँ से कौन देख भी आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है ना, हमारा तो इधर ही है। ये तो एक इतना नंबर है, ये हमारा 78 तो क्या करे, बोलो आप लोग कमेंट करके बताओ। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है रुक जाते। तो पोखरा पहुंच गए हम लोग, और यहाँ पर आके होटल भी ले लिए। भैया मिले रास्ते में, और भैया लेके आ गए बोल के लेक साइड अच्छा होटल मिलेगा, तो इधर ही आ गए। होटल का नाम है होटल स्वीट गैलेक्सी, राइट? ओह इधर लिखा हुआ है होटल स्वीट गैलेक्सी, एकदम पूरा पोखरा लेक साइड के पास ही है। यहाँ से लेक अराउंड 2 मिनट्स बाई वॉक, और लेक साइड में भी होटल मिलता है। ऐसा नहीं कि लेक साइड में होटल नहीं मिलता है, लेक साइड में भी होटल मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सस्ता पड़ा हम लोगों को, तो यहाँ पर ले लिए। लेक साइड में बजट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी भी जस्ट शुरू हुआ है नेपाल ट्रिप, अभी अगर सब खर्चा कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो भाई तोड़ आई कार्ड चलो, एनीबडी कैन डू द साइन। आपको कितना बोला था इधर पे डाल दीजिए, एनसी में? हाँ एनसी में। और दिन कुछ ऐसा कुछ लिखा? हाँ ऐसा कुछ, दिन कितना दिन रहेंगे ऐसा कुछ लिखा है? मैंने ऑलरेडी 36 अक्टूबर, आप कल मुस्तांग जा रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, तो वो मैंने चढ़ा दिए। देख बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो अभी खाना खा लेंगे, डिनर में बोले हैं अगेन द फेमस फूड इन नेपाल थपाली, चिकन थाली के साथ। तो बाद में रूम दिखाते हैं कैसा है, और खाना खा के थोड़ा निकलेंगे बाइक लेके बाहर। बाकी ये यहाँ पर होटल के अंदर ही
there is a small bar and you can enjoy with your friends over here. Here you have menu card. Let's see. Hardings. So old darbar. Old darbar is it a Nepali drink hai kya? It's not a Nepali drink. Okay, pehle nahi. It is mainly imported. Imported. Vodka hai kya? A type of vodka, alcohol. Alcohol. Okay. Beer ka rate kaha pe hai? Beer idhar mil gaya. Tea box 600 Nepali rupees. Gorkha is 550. So it's तो बार में इट्स लाइक रीजनेबल बिकॉज यहाँ पर आप मेनली मतलब ट्यूबॉर्क शायद 400 रुपए लेता है अगर आप यहाँ पर बाहर वाइन शॉप से खरीदते हो तो ट्यूबॉर्क 400 नेपाली रुपीस एंड गोरखा इज अराउंड 350 नेपाली रुपीस तो यहाँ पर सही है मतलब बार पे आप बैठ के खा रहे हो तो उसका डबल भी प्राइस नहीं ले रहे जहाँ पर इंडिया में डबल से ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर डबल प्राइस भी नहीं है चलो खाना आ गया हम लोग का अभी खाना खा लेते फिर निकलते तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताना था मतलब एक तो आप जब नेपाल में होटल कुछ ऐसा कुछ ले रहे हो तो सबसे अच्छा होगा होटल में जा मतलब होटल में जाके ऐसा कुछ मत पूछो वो लोग बता देगा और इससे सस्ता नहीं मिलेगा इधर यहाँ पर और होटल नहीं मिलेगा ऐसा बता देगा तो आप डर के सोचोगे कि ठीक है ये ले लेते सबसे अच्छा होगा लोकलाइज को पूछो लोकलाइट्स को पूछने से वो लोग आपको बता देगा कि यहाँ पर एक्चुअली रेट कितना चलता है होटल का वो लोग मतलब ऐसा होगा कि वो लोकलाइट्स में कोई दलाल मिल गया तो दलाल के साथ आप बार्गेनिंग कर सकते हो कि मुझे इतना का ही रूम चाहिए उन लोगों के पास बहुत सारा टाइप का रूम रहता है आप जाके देखो अगर पसंद हुआ तो हुआ नहीं पसंद हुआ तो नहीं हुआ दलाल कितना चार्ज लेगा ना लेगा वो होटल मालिक के साथ वो बात कर लेगा आप उनके साथ बात करो बोलो कि मुझे 1000 करना चाहिए तो तुमको दिखा देगा वो पसंद हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो आप खुद ढूंढ लो लेकिन होटल में डायरेक्ट जाके बात मत करो पहला बात दूसरा बात है वो वही पे दे दीजिए भैया एक कैमरा सेट कर रहा हूं वही छोटा था बोल भी तो बोलिश रही ठीक है हेलो बेटा था बोल सही में सेटअप को दूसरा बात है ल्यूब का चेन ल्यूब का बहुत जरूरी चीज है नेपाल राइड अगर कर रहे हो तो चेन ल्यूब मस्ट क्योंकि पहला बात तो ये है कि इंडिया से 800 किलोमीटर का एक राइड होने वाला है आपका कोलकाता से तो 800 किलोमीटर चलाने के बीच में ही आपको एक बार ल्यूब करना पड़ेगा उसके बाद जब पहुंचोगे नेक्स्ट दिन सुबह जब नेपाल में पोखरा आओगे रक्सोल बॉर्डर के पास से उस टाइम पे एक बार ल्यूब करना पड़ेगा क्योंकि इतना दूर है ना रास्ता में तो चेन खराब मतलब पूरा आवाज़ शुरू कर देगा चेन को अगर सही से रखना है चलेगा बाइक ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा लेकिन चेन को अगर सही से रखना है तो चेन ल्यूब ज़रूरी है बड़ा एक ल्यूब होगा तो एक बाइक के लिए बड़ा ल्यूब मॉडल का जो बड़ा ल्यूब आता है वो सही है और छोटा वाला ल्यूब अगर ले रहा हो तो एक बाइक के लिए चार ल्यूब एटलीस्ट चाहिए हम लोग दो बाइक के लिए तीन ही ल्यूब लाए थे समझ मतलब पता नहीं था पहले कि इतना लग जाएगा ल्यूब तो मोस्टली ख़त्म ही हो गया तीन ल्यूब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा और ल्यूब खरीदना भी पड़ेगा क्योंकि मुस्तांग में और भी ख़राब होने वाला है रास्ता तो ल्यूब तो लगेगा तो यही सब चीज़ कुछ ध्यान में रखते हुए बाकी रास्ता तो सब सही था मतलब बीच शायद आज हम लोग कितना किलोमीटर अराउंड 230 किलोमीटर आए ना उसमें से 50 किलोमीटर के अराउंड ऑफ रोड मिला है उससे ज़्यादा नहीं मिला होगा ना हाँ अभिषेक 50 किलोमीटर के अराउंड हम लोगों को ऑफ रोड मिला है आज उससे ज़्यादा नहीं मिला होगा टोटल मिला के बोल रहा है हाँ तो 50 किलोमीटर अराउंड कुछ ऑफ रोड मिला है बाकी रास्ता बहुत बढ़िया है मतलब पहाड़ एरिया में छोटा छोटा नॉर्मली रास्ता रहता है लेकिन यहाँ पर ये इनफील्ड को ना अच्छा उधर से गाड़ी बुक करके 15-20 हजार कितना लिए उसने उधर लेके ड्रॉप किया बाइक का कंडीशन नहीं रहा 500 cc का बाइक था बाइक क्या पानी में गिर गया था नहीं नहीं वो फुल ऑफ रोड है ना हाँ फुल ऑफ रोड है पानी के अंदर भी चलाना पड़ता है हाँ। तो चलाते वक्त उसमें जो मड है ना हाँ। मड पानी सिर्फ पानी नहीं मड ही घुस गया साइलेंसर से अच्छा 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 इसी कारण से वो गाड़ी के ऊपर रख के इधर पे लेके आना पड़ा इसलिए थोड़ा डेंजरस है मेरा भी यही एक पर क्लासिक है अच्छा आपका भी क्लासिक है आप मुस्तांग गए हो कभी क्लासिक लेके तो हम लोगों का खाना आ गया
थपाली। अच्छा फिर से जा रहे हो, तो आप क्या क्लासिक लेके गए थे? तब तो ठीक है, हम भी कर लेंगे। होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता, लोग तो इनफील्ड लेके लोग तो आता है इधर। मतलब किसी एक जन के दो जन के साथ हुआ है, मतलब ऐसा हुआ है। आप डरा दे रहे हो हमको। हाँ ठीक सही। तो खाना में दिया है आज। हाँ ठीक है थैंक यू। चिकन, दाल, सलाद और यहाँ पर एक चटनी और ये साग एक है, ये पता नहीं क्या है। ये कुंदरुक, बटमास और कुंदरुक। ओके नेपाली आइटम है, दोनों ही नेपाली आइटम है। चलो खा के देखते हैं, खाने के बाद टेस्ट करके बताते हैं। पहले गुंदरुक ही ट्राई करते हैं। तो कल तो नहीं हो पाएगा शादी? अभी अभी का बात, अभी चलिए चलिए। खाना एक्स्ट्रा मांगने पे इंस्क्रिप्शन नंबर, ठीक है? श्योर 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 बिंदास एकदम। सब फैमिली इधर पे। अच्छा 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 एक्स्ट्रा मिलते हैं ना हिचकिचन नंबर, क्या देख लेंगे एक्स्ट्रा लेने के लिए हिचकिचन नंबर। और इस ऑन ले ओम ये शाम मुझे अच्छा लगता है। ये अपना है स्वीट से, ये थोड़ा सा तो आपको क्या बोलता है, खट्टा खट्टा है। ये सब लौकी है ना? खाने का टेस्ट डिपेंड करता है कितना भूख है आपका। भूख नहीं है तो आपको बिरयानी ला के भैया रुकी बोल रहे हैं नेपाल में जरूरत पड़ेगा। क्यों क्यों हेल्दी रहना चाहिए ना, मेन रीजन वही है। ये होता है कि मतलब दिन भर खाना भी ठीक से नहीं होता है ना, सुबह जब निकले हैं तब खाना खा लेते हैं पूरा भर के। ऐसा है ना, क्लाइमेट भी आप लोगों का सफर करके आए हैं। लेकिन यहाँ पर राइस बहुत बढ़िया है। राइस हाँ, जहाँ पर भी राइस खा रहे हैं ना, राइस बहुत बढ़िया है। थैंक यू। करते हो आप बाइक ट्रिप? करते हो ट्रिप? करता ना अभी आप परसों ही करके आया था। अच्छा ऐसे प्लेस पे गया मेरे को अपर मस्तान जाना था, बहुत बहुत मन था, लेकिन हाँ। यहाँ पे तो टूरिस्ट लोग के लिए वो कुछ अलग सा पास लेना पड़ता है आप लोगों को अपर मस्तान जाने के लिए। $500 और एक इसको भी लेना पड़ेगा, गाइड को भी लेना पड़ेगा। गाइड लेना पड़ेगा। लोमान थान तो बेस्ट प्लेस में पड़ता है ना। कौन सा? गए हो लोमान थान? मैं अभी जा रहा हूँ अपर अपर ही जा रहा हूँ। हम लोग इधर के ही सिटीजनशिप है ना, मगर हम लोग उधर जाके उधर का जो जमीन है ना वो नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि हमारे उधर का सब लोग के पास रेड पासपोर्ट है। ओ समझ गए हम लोग को वहाँ पर, जैसे हम लोग पहाड़ी एरिया में
कुछ कुछ पहाड़ी एरिया है जहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते इंडिया में। आप लोगों ने पास लिया मुस्तांग के लिए? ना लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा ना मुस्तांग के लिए। तो अब तो रात को तो बंद हो गया होगा ना, कल सुबह ही जाना पड़ेगा। अंकल कल शनिवार से बंद होगा वहाँ तो, खुला हुन्छ हैन कहाँ क्योंकि परसों दशहरा है, दशहरा शुरू होगा, बंद हुआ ना अभी, तो दशहरा में भी बंद रहेगा, दशहरा का दिन में भी शायद बंद रहेगा, दशहरा को खुलता ही नहीं रे, खुलता है पर्यटन का खुला पर नहीं करे, पर्यटन करे उन्हें दशहरा मानने को आने सुबह नहीं करे वो वाली बाहर निकले बना कल सुबह वो पूछ लेगा उधर। सुबह कितने बजे तक ऑफिस खुल जाता है? 10 बजे के बाद परमिट लेते हैं तो 11 बज जाएगा। आप आपका रूट में बता देता हूँ, अगर आप 1 बजे इधर से निकलेंगे ना तो तातो पानी का नाम के जगह आएगा, तातो पानी उधर पे काला पानी और तातो पानी दो आता है, काला पानी तातो पानी, तातो पानी काला पानी उधर आपके जगह है ना, तो आपको गर्म पानी में ठहरना पड़ेगा क्योंकि आप इधर से कंटिन्यूसली जाओगे ना तो भी नहीं पहुंचोगे, रात हो जाएगा आपको ठंडी से जम जाएंगे, नहीं पहुंचना भी नहीं है तो ठहरेगा कब? गर्म पानी में बैठ लीजिए आराम से, नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, अच्छा उधर पे रेस्ट कर लीजिए, आपका सब बाल मत भिजाना और बॉडी सब भिजाना गर्म पानी में, हाँ वो तो सही रहेगा, थोड़ा बॉडी का जो पेन है वो भी कम हो जाता है, नेचुरल पानी है ना तभी कम हो जाता है, जब गर्म पानी में वो पता है अगर बाल डुबाया तो बाल चले गए, हां इसमें भी जा रहा है, नहीं 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 बाल तो कुछ भी नहीं होगा। हां हेलो भैया निकल पड़े नेपाल में नाइट राइड करने, नहीं ये थोड़ा ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम, और मेरे पीछे बैठा है विप्लव भैया। विप्लव भैया हम जिस होटल में रुके हैं, ओ शिट, हाँ हम जिस होटल में रुके हैं वो होटल का ही ओनर है, होटल स्वीट, होटल स्वीट गैलेक्सी का ही ओनर है ये, तो वो बोला कि भैया निकलोगे रात को नाइट राइड करने, बोलिए चले ये चलते हैं, इससे अच्छा बात थोड़ी ना कुछ होता है, तो निकल पड़े खाना वाना खा के नेपाल का राइड नाइट राइड करने। तो अभी भैया बोल रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पर भैया अभी हम लोगों को लेके जा रहा है, चलेगा और वो भी रिलैक्सेशन के लिए, तो चलते हैं उधर ही। हाँ मतलब यही तो बस नेपाल है, मतलब यही तो मिलना चाहिए, मतलब हम लोग सोच के आए थे नेपाल में यही मिलेगा ना, यहाँ का लोगों का ये जो भाईचारा है। अच्छा जी ये पूरा लेक है ना, यही पेवा लेक है, अच्छा ये जो राइट लेफ्ट साइड में मेरा है ना, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही है पेवा लेक, ओके दिख रहा है पूरा थ्रिलिंग वेपर, आपको इधर से अलग दुनिया चालू होती है थोड़ी आगे से, पूरा ये लेक है ना, यहाँ पर बोटिंग भी होता है ना, होता है बोटिंग भी होता है इधर, उधर से आओगे ना, हाँ हाँ मैं लेके जाऊंगा आपको, हाँ वहाँ आएंगे तो करेंगे तो बोटिंग। अच्छा भैया और एक भी चीज करना है यहाँ पर, पैराग्लाइडिंग वो भी मिलेगा, हाँ सब हो जाएगा, अब इधर का अलग ही सीन होता था, मतलब सीन अलग ही होता था, मतलब वो ये ओ सामने का व्यू क्या बढ़िया है, टोटली बंद हो गया है वरना ये बहुत अच्छा दिखता था, ये तो अरे पूरा पानी के अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, आप थोड़ा लेट हो गया वरना ऐसा जगह था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा और भी लाइट जलता था, और भी फुल नेपाल नहीं, आएंगे ना नेक्स्ट दिन फिर से जल्दी आएंगे, एकदम एकदम एकदम
हाँ वही बोल रहे थे। यहाँ पर झरना वरना भी हो भैया, बहुत है। फॉल्स फॉल्स वाटरफॉल बहुत है, तो जहाँ पर नहा सकते हैं? नहा तो नहीं सकते क्योंकि और लोग भी होंगे। अच्छा 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 अगर आप लोग तो हम। और देखो भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ओ माय गॉड, होटल वाटर साइड है इधर। इंडिकेटर चला के रखने का कुछ? हाँ हाँ ठीक है, बोले शीश कहाँ से? ये तो पूरा अंदर अंधेरा हो गया। तो कोई एक लेक है ना जहाँ जिसका बीच में एक मंदिर है जो नाव चलाना पड़ता है, यही वो मंदिर कहाँ पे? वो जो उधर पे छोटा लाइट बल्ब है ना मिडल पे, हाँ 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 वो है वो मंदिर। ओ तो लेक के बीच में है या साइड में हो गया? वो बीच में इधर से साइड दिख रहा है।